बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर 52 अल्डिहाइड्स और कीटोन पर मौजूद हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन और स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। स्टूडेंट्स, ये पूरे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का सिलेबस है। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि रीड नोमेनक्लेचर। क्योंकि जब नोमेनक्लेचर के हवाले से क्वेश्चन डायरेक्टली ना भी आए तो आपको नाम लिखा हुआ कंपाउंड का मिल जाए और एमसीक्यूज में शामिल हो, स्ट्रक्चर ना बने हो, तो फिर स्टूडेंट्स बड़े डिस्टर्ब होते हैं और गलतियां करते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। स्टूडेंट्स, कार्बनिल के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन लगा हो। अब ये जो R है, हो सकता है ये अल्काइल हो सकता है ये हाइड्रोजन हो सकता है ये कोई एरोमेटिक रिंग हो, AR फ्रॉम एरोमेटिक या एरीन, ये एल्डिहाइड कहलाएगा। और R सी ओ आर, यहां पे अल्काइल ग्रुप होने चाहिए दोनों तरफ, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, मिथाइल हो जाए C2H5, इथाइल हो जाए या एरोमेटिक रिंग हो जाए कोई एटसेट्रा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं हो सकता, तो ये क्या कहलाएंगे, कीटोन। जनरल फार्मूला स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, तो दोनों को एक ही जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिनोल ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, उनको भी किया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, उनको भी किया जा सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के लिए जनरल फार्मूला सेम होता है, CnH2nO, ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए है। प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम मीथानल की बात करते हैं। मीथानल यानी फॉर्म अल्डिहाइड, इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, दो तरह से इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करनी है। एक तो लैब मेथड है और दूसरा इंडस्ट्री मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में वी टेक मिथानोल, दैट इज अल्कोहल, एंड वी ट्रीट इट विद O2, 300 सेल्सियस, प्लाटिनियम एस्बेस्टोस, ये इसका कैटलिस्ट हो गया और ये बनेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड वाटर 2 मोल एंड वाटर 2 मोल। इंडस्ट्रियल मेथड में सिर्फ कैटलिस्ट का डिफरेंस है, रिएक्शन 100% सेम है, O2, इसमें हम FeO MO2O3 मोलब्डीनियम ऑक्साइड 500 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर। स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, 100% तो रिएक्शन नहीं हो जाता ना, तो प्रोडक्ट में फॉर्मल्डिहाइड और वाटर है, रिएक्टेंट में मिथानोल है। इस मिक्सचर में 40% फॉर्मल्डिहाइड हो, 52% वाटर हो और जस्ट 8% मिथानोल हो, तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं फॉर्मालीन सॉल्यूशन, फॉर्मालीन
सॉल्यूशन, और ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज होता है। स्टूडेंट्स, आपने अपनी लेबोरेटरी, बायोलॉजी की लेबोरेटरी में जो स्पेसिमन में लिक्विड नजर आ रहा है आपको, उनको स्टोर करने के लिए वो यही होता है फॉर्मलिन। इसके बाद हम एसिट अल्डिहाइड और कीटोन्स पे आते हैं। एसिट एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी अल्डिहाइड्स और कीटोन पे, अगर इथानॉल हो और उसकी ऑक्सीडेशन की जाए विद K2Cr2O7, यानी प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है, यह हमने अल्कोहल्स में भी पढ़ा है, H2SO4, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन की अल्कोहल है, 2 कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा, एसिट अल्डिहाइड एंड वाटर। और कीटोन के लिए आपको सेकेंडरी अल्कोहल की जरूरत होती है, 3 कार्बन की अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो 3 कार्बन का ही कीटोन बनेगा, K2Cr2O7H2SO4, CH3CH, H नहीं होगा, CH3 प्लस H2O। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं यही चीज ड्राई डिस्टिलेशन से। ये सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड यूज कर रहे हैं, नॉट सोडियम, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अगर ये यूज करें तो इसको डीकंपोज करते हैं बाय हीटिंग। ये जो दायरा लगाया है ये बन गया CaCO3, हाइड्रोजन उतर के इस कार्बन पे आ गया, इट फॉर्म्स फॉर्म अल्डिहाइड। अगर हमारे पास कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड हो, जिसे हम कैल्शियम एसीटेट कह सकते हैं, तो ये बन जाएगा CaCO3 प्लस एसीटोन, कीटोन बनेगा। और अगर दोनों का मिक्सचर यूज करें कैल्शियम CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ कैल्शियम, स्टूडेंट यहां से भी CaCO3 निकला, यहां से भी CaCO3 निकला, लेकिन अब आपके पास 3 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक प्रोडक्ट के हाइड्रोजन यहां मिल जाए HC डबल बॉन्ड OH, दूसरा प्रोडक्ट के हाइड्रोजन इधर लग जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH, और तीसरा प्रोडक्ट के मिथाइल इसको लग जाए, तो स्टूडेंट फिर ये है, फिर भी एसिटल्डिहाइड बनेगा, एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन। और चौथी ऑप्शन कि ये मिथाइल अपने ही कार्बनिल को लग जाए, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये प्रोडक्ट होगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, मिडल वाला, बनेंगे 3 लेकिन मेनली कौन सा बनेगा, एसिट अल्डिहाइड। 3 प्रोडक्ट्स बट 1 इज मेजर, दैट इज एसिट अल्डिहाइड। और स्टूडेंट्स, टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड, और अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होते तो फिर उनसे फिर अल्डिहाइड की टोन भी नहीं बन सकता।
अब हम रिएक्टिविटी पे बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बनिल। रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इतना हिस्सा कार्बोनाइल कहलाता है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। अगर इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो उसके ऊपर अटैक किधर से होता है, ऑक्सीजन की तरफ से। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो वो अटैक किस पे करता है, कार्बन पे। यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी कर सकता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी कर सकता है। sp2 होने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, अब कार्बन ऑक्सीजन में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये पोलर बॉन्ड है। और जैसा कि ऊपर बताया गया कि कार्बन अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब अल्डिहाइड और कीटोन की म्यूचुअल कंपैरिजन को देखें कि उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। सेकंड इज अल्डिहाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना हो, यहां पर भी देखें तो हम अगर चांस ऑफ अटैक की बात करें तो मैक्सिमम चांस और यहां पर मिनिमम चांस। वाई? मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, और दूसरी तरफ मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है कि ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप्स को रिपेल करते हैं, यानी यूं समझ लें कि रेजिस्टेंस टू अटैक है, रेजिस्टेंस टू अटैक। तो राइट पे कीटो है, दरमियान में एसिटल्डिहाइड है और लेफ्ट पे फॉर्मल्डिहाइड है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, एसिटल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव एंड कीटोन इज लीस्ट रिएक्टिव। एक तो ये देखें कि HCOH फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है अल्डिहाइड से, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, कीटोन। एक हिंट है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम्स, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम्स। कार्बन एटम बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। दो अल्डिहाइड को कंपेयर कर लें, दो कीटोन को कंपेयर कर लें विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम रिएक्टिविटी इज फॉर पेंटानल पीटा, ब्यूटानल चार्ली, टू पेंटानोन डेल्टा, थ्री पेंटानोन।
स्टूडेंट्स मैं स्ट्रक्चर्स ड्रा कर देता हूं। वैसे तो आपको पता ही है पेंटानल ये 5 कार्बन का एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड हाइड होता ही कार्बन 1 पे है। ब्यूटानल 4 कार्बन का एल्डिहाइड है। 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन। पहले मैं 3 पेंटानोन का बना रहा हूं और बाद में 2 पेंटानोन का बना रहा हूं। तो स्टूडेंट्स पेंटानोन कीटोन है, कीटोन को लदा कर दे, उनकी रिएक्टिविटी कम है। पेंटानल और ब्यूटानल ये एल्डिहाइड है, तो फिर इसकी ऑर्डर क्या बनेगी? बीटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद अल्फा है क्योंकि वो एल्डिहाइड है, ठीक है, और उसके बाद कीटोन्स आते हैं। अब कीटोन में 2 और 3 की रिएक्टिविटी को आप रहने दें, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कॉन्सेप्ट समझना। वैसे 2 पेंटानोन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि एक तरफ छोटा अल्काइल ग्रुप है। बहरहाल उस बहस में ना जाएं, अब अल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में रहें सिंपल से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब इनके न्यूक्लियोफिलिक सब एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इनकी 2 तरह की है, एक है एसिड कैटलाइज्ड और दूसरी है बेस कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड में सबसे पहला क्या होता है, बेस रिमूव प्रोटॉन, इसको डी प्रोटोनेशन कहते हैं, और सेकंड स्टेप में इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। प्रोटॉन निकले तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो जाता है। यानी इस रिएक्शन की विसिनिटी क्या है, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बोनाइल। अब इसके मैकेनिज्म को देखें, OH नेगेटिव HCN, CN की जगह NU लिख देता हूं, कोई भी जनरल हो तो NU न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये बना वाटर और NU नेगेटिव, जब नेगेटिव हो तो वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो जाता है। अब सेकंड स्टेप में आपके पास कार्बोनाइल है और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा एंड इट फॉर्म न्यूक्लियोफाइल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव। और स्टूडेंट्स आखिरी स्टेप में वाटर से वो वाला प्रोटॉन वापस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH और OH आयन वहां पे फिर फ्री हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो गई। अब सेकंड मैकेनिज्म पे आए, सॉरी इट वाज नॉट एसिड कैटलाइज्ड, इट वाज एक्चुअली बेस कैटलाइज्ड, हमने ये गलती की है, इसको सही कर दें, बेस कैटलाइज्ड। और अब आप एसिड कैटलाइज्ड पे आए, एसिड कैटलाइज्ड, स्टूडेंट्स एसिड कैटलाइज में पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होती है, प्रोटोनेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनता है और ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के जरिए प्रोसीड करता है, और देन न्यूक्लियोफाइल अटैक। अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल हो
जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, जब वो प्रोटॉन से रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इसकी एक और रेजोनेंस फॉर्म भी लिखी जा सकती है, एच सी एच और कार्बन पे पॉजिटिव, यानी अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है। स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो ये स्ट्रक्चर है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, तो क्या बनेगा, H कार्बन न्यूक्लियोफाइल H और OH, तो ये भी प्रोडक्ट बन गया। न्यूक्लियोफाइल में मैंने U दूसरी तरफ लिख दिया है, इधर लिख देता हूं न्यूक्लियोफाइल, ये भी प्रोडक्ट बन गया। अब दोनों सूरतों में एक चीज आप गैस कर लें, ये देख लें, इसमें H और न्यूक्लियोफाइल है, H पार्शियल पॉजिटिव है और न्यूक्लियोफाइल पार्शियल नेगेटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स, चाहे एसिड कैटलाइज्ड हो चाहे बेस कैटलाइज्ड हो, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव लगा दें। कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आया और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आया, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो कंसेक्यूटिव पे ऐड हुआ, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। sp2 से sp3 में कन्वर्ट हुआ, sp2 से sp3 में। अब इसके रिएक्शंस की बात करते हैं, rcr डबल बॉन्ड HNU, जैसे ऊपर बयान किया है। अब स्टूडेंट्स, वहां पर दो हाइड्रोजन थे, मैंने यहां पर दोनों अल्काइल लगा दी हैं, साइनाइड। अब इन अल्काइल का क्या मतलब है, R का, इट मे बी अल्काइल, इट मे बी हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन हो या दोनों अल्काइल हो, NaCN और HCl, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन सोडियम को मिल जाएगी तो HCN जनरेट होगा, इसलिए इसको कहते हैं इन सीतु। HCN इसमें डाला नहीं जाता, HCN इसमें जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स, R C डबल बॉन्ड R OH और साइनाइड, अगर इन दोनों जगह पे हाइड्रोजन होते तब भी ठीक था, एक पे मिथाइल एक पे हाइड्रोजन होता तब भी ठीक था, तो मैं तीन दफा लैदा लैदा नहीं लिखना चाहता। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, sp2 से sp3 में हाइब्रिडाइजेशन आई है कार्बन की। अब इस रिएक्शन को कहां यूज किया जाता है, अगर हम इसको यूं देखें, एक तरफ OH बना है, एक तरफ साइनाइड बना है, अगर हम अल्काइल की जगह पे स्टूडेंट्स यहां पे CH3 लिख दें, इसमें हम वाटर डालें 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, OH लगा और NH4HSO4 अमोनियम बाइसल्फेट ये बन गया। स्टूडेंट, ये जो एसिड है इसका कॉमन नेम क्या है, लैक्टिक एसिड, और आयुपैक नेम क्या है, 1,2,3,2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, यानी ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने के लिए यूज होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाए जाते हैं। अल्फा क्यों कहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक है और फंक्शनल से जुड़ा हुआ अल्फा होता है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर सोडियम बाइसल्फाइट, NaHSO3 अल्काइल
अल्काइल OH, SO2ONA या SO3NA इकट्ठा लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें वाइट पीपीटी बनता है, वाइट पीपीटी। फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन, ये सारे इसमें वाइट पीपीटी देते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोनाइल, जब आप कार्बोनाइल कहते हैं तो फिर दोनों आपका मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। अल्कोहल वाइट पीपीटी नहीं देती और कार्बोनाइल वाइट पीपीटी देती है, ये उनको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर सेपरेशन ऑफ मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर, क्योंकि दूसरे वाइट पीपीटी नहीं देते, ये प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज हो जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सम कार्बोनाइल, यानी जो कार्बोनाइल वाइट पीपीटी बनाएंगे उन्हें फिल्टर करके लैदा कर लें, और अगर इसमें एसिड डाला जाए तो वो एसिड दोबारा इसको इसके ओरिजिनल कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह ये प्यूरिफिकेशन में भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट है अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन। अमोनिया डेरिवेटिव, स्टूडेंट्स अमोनिया है NH3, उसको NH2 और H लिखें, इस H की जगह पे कुछ और ग्रुप भी आ सकते हैं, इट मे बी NH2 ग्रुप, इट मे बी OH ग्रुप, यहां पे NH C6H5 भी हो सकता है, इस पूरे को हम फिनाइलहाइड्राजीन कहते हैं। NH2 NH फिनाइलहाइड्राजीन का ये भी स्ट्रक्चर है, C6H5 बेंजीन रिंग है। NH2 NH NO2 लगे, NO2 लगे, ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है, 2,4 DNPH। स्टूडेंट्स ये सारे डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, इन सब का एक ही पैटर्न पर रिएक्शन होता है, आर सी आर डबल बॉन्ड ओ NH2 जी जी फॉर ग्रुप, यानी उनमें से कोई भी ग्रुप लगा होता तो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते, आर सी डबल बॉन्ड आर एन और जी प्लस वाटर। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इमाइन। इनके कॉमन नेम डिफरेंट हैं लेकिन ये क्या है, इमाइन, आई से कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप ए माइन होता है, ए से, और अगर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो वो क्या होता है, इमाइन। ये सारे एक ही पैटर्न पे रिएक्ट करते हैं, मैं सबको लैदा लैदा नहीं लिख रहा। कार्बोनाइल प्लस 2,4 डी एन पी एच, ये ऑरेंज या येलो या तीसरा कलर बुक ने लिखा हुआ है ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड कलर, ये तीन कलर के या इन तीनों में से किसी एक कलर के प्रेसिपिटेट मिल सकते हैं। और ये टेस्ट कहां यूज किया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोनाइल, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए, यानी अल्डिहाइड भी डिटेक्ट हो जाता है और कीटोन भी डिटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके रिएक्शन में रिडक्शन है, इसमें हम
सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड और स्टूडेंट्स इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल गया, एक इसको मिल गया, तो ये बन गया CHOH, ये क्या बन गई अल्कोहल। अगर फॉर्मल्डिहाइड हो, अगर अल्डिहाइड हो और तीसरी चीज है कीटोन, इनमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला जाए तो पहले का बनता है मीथानोल एक कार्बन का, ये प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरे का दो कार्बन की अल्कोहल बनती है, इथानोल अगेन प्राइमरी है, और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। रिएक्टेंट के तीन कार्बन है तो प्रोडक्ट के भी तीन होंगे, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती है स्टूडेंट्स। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अल्कोहल। अगर हम इसके मैकेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया डिस्कस करना चाहें, सोडियम पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव, BH4 नेगेटिव जब ब्रेक होता है तो BH3 और H नेगेटिव बन जाता है, और इसका न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा हाइड्राइड, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, जो आपको हिंट देना था वो दे दिया है, इसके रिलेटेड MCQ आ सकता है कि इसका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। अब ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन अगर अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो दो कैटेगरीज हैं, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर लें या स्ट्रॉन्ग से कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कौन है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग नंबर वन फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कॉपर आयंस बेसिक प्लस टार्टरेट कॉम्प्लेक्स साल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, एसिड इससे बेसिक कॉपर टार्टारेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, स्टूडेंट ये बेसिक कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड में सिट्रिक एसिड का साल्ट डाला जाता है। स्टूडेंट्स टोलन्स रिएजेंट, टोलन्स रिएजेंट ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और आखिरी है बेयर्स रिएजेंट। वन परसेंट अल्कलाइन कोल्ड KMnO4, तो ये मैंने सारे उनके एजेंट बता दिए, ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं स्टूडेंट्स। ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कीटोन को नहीं कर सकते। कीटो प्लस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिएक्ट ही नहीं करते कीटो से। स्ट्रॉन्ग एजेंट कौन से हैं,
नाइट्रिक एसिड है, ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी विद सल्फ्यूरिक एसिड। और K2Cr2O7 विद सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हॉट फॉर्म में है KMnO4। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जितने कार्बन का डीआइड होगा उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। प्लस KMnO4 प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 बीटा H2O चार्ली। हमें दरमियान में एक ऑक्सीजन कम करना चाहिए ताकि ऊपर वाला एल्डिहाइड बने। HCOOH एंड डेल्टा ए एंड बी। स्टूडेंट ऑप्शन इज ए एंड बी। पहले स्टेप में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 और वाटर में डीकंपोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CHO अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH बीटा, CO2 चार्ली, वाटर डेल्टा ऑल पॉसिबल। ऑप्शन इज अल्फा। स्टूडेंट्स पहले स्टेप में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड डीकम्पोज नहीं होता, CO2 और वाटर तक नहीं जाता, तो ये अल्फा प्रोडक्ट ही रहेगा। हम अब कीटोन की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। कीटो ऑक्सीडेशन, कीटो ऑक्सीडेशन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगी, यानी हॉट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट से Cr2O7 H2SO4। तो स्टूडेंट्स इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, दो का एसिड, लेफ्ट पे दो कार्बन है राइट पे एक है, तो दो डिफरेंट एसिड बन गए। अगर चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लें, इसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन मोल नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुई है। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगी, 2 मोल एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब प्रोडक्ट सेम क्यों आए, याद रखें इसकी हिंट क्या है, कार्बोनिल ब्रेक विद स्मॉल चेन। इसकी एक और पॉसिबिलिटी है लेकिन वो होता नहीं। अगर वो पिंक वाली जगह से टूट जाती तो लेफ्ट पे एक कार्बन था और राइट पे तीन थे, लेकिन करेक्ट क्या है, करेक्ट ये है कि कार्बोनिल ब्रेक विद द स्मॉल चेन, तो दोनों तरफ दो दो के एसिड बन जाएंगे, 2 मोल एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की तरफ आते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट, स्टूडेंट हेलोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म में ही एक किस्म आयोडोफॉर्म है। हेलोफॉर्म की बजाय आयोडोफॉर्म को क्यों प्रेफर किया जाता है, आयोडोफॉर्म इनसॉल्युबल और येलो लाइट येलो या येलो कलर की क्रिस्टल बनती हैं और वो विजिबल हैं। और टेस्ट के लिए आप कोई ऐसी चीज यूज करते हैं जो क्लियर कट विजिबल चेंज हो, तो इसलिए आयोडोफॉर्म इज प्रेफर्ड। अगर आप क्लोरोफॉर्म की बात करें तो वो कलरलेस है और वो सॉल्युबल है,
तो आपको पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं। अब आयोडो फॉर्म के लिए स्टूडेंट्स मैं रिएक्शन लिखता हूं और एंड पे फिर मैं आपको इसकी एक समरी बताऊंगा। CH3OH इसमें आयोडीन डालो, NaOH डालो, मीथानोल का ये टेस्ट नहीं होता। फिर इथानोल से आए CH3CH2 6NaOH प्लस 4 आयोडीन। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये कैसे प्रिडिक्ट करना है? जिसके ऊपर OH लगा हुआ है उसके साथ जो मिथाइल है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो मिथाइल है उसको आप बनाएं आयोडो फॉर्म CHI3। बाकी कितने कार्बन बचे? एक। एक कार्बन के एसिड का साल्ट बनाओ, बाकी बनेगा NaI और वाटर। NaI और वाटर तो सब में बनता है, बोथ 5 मोल। ये हमने एक बना दिया। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सिक्स एन ए ओ एच प्लस 4 आयोडीन। ये है कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, इसके साथ लगे हुए कार्बन को आयोडो फॉर्म बनाए CHI3। बाकी बचे 2 कार्बन, अब 2 के एसिड का साल्ट बनाए प्लस 5 NaI 5H2O। स्टूडेंट ये अल्कोहल का मैंने पहले लिखा है क्योंकि हमने अल्कोहल में ये मिस किया था। अब मैं लिखता हूं अल्डिहाइड से CH3C OH 4NaOH एंड 3 आयोडीन। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साल लगे हुए मिथाइल को क्या बनाओ? आयोडो फॉर्म। कितने कार्बन बाकी बचे? एक। एक के एसिड का साल्ट सोडियम फॉर्मेट और फिर बनेगा 3NaI और 3H2O। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन बैलेंस का डिफरेंस आया है। CH3 C OH CH3 4NaOH प्लस 3I2। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, उस पे लगा हुआ मिथाइल, मिथाइल को आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 2 कार्बन का एसिड बना दें और उसका साल्ट है 3NaI 3H2O। अब हम आते हैं इसके बेसिक आइडिया पर। प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथानोल आयोडो फॉर्म बनाती है, कोई और प्राइमरी अल्कोहल आयोडो फॉर्म टेस्ट नहीं करती, ओनली इथानोल। सेकंड इज सेकेंडरी अल्कोहल, वो भी 2 अल्कानोल जिसमें OH ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन मौजूद हो वो आयोडो फॉर्म टेस्ट कर सकती है, कोई और नहीं करती। इसकी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप ऐसे कार्बन पे मौजूद है जो 2 कार्बन से लगा हुआ है। एक और सेकेंडरी बनाते हैं, ये भी सेकेंडरी कार्बन है लेकिन
ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा, पहले वाली आइडोफॉर्म टेस्ट करेगी, क्योंकि सेकंड कार्बन पे अगर OH है तो फिर आइडोफॉर्म हो सकती है किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। टर्शरी अल्कोहल नो आइडोफॉर्म, टर्शरी का कोई आइडोफॉर्म नहीं होता। एल्डिहाइड्स में ओनली एसिट अल्डिहाइड के अलावा अल्डिहाइड में किसी का आइडोफॉर्म नहीं बनता। और कीटोन में ओनली मिथाइल कीटोन, ओनली मिथाइल कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं, कोई और आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड जो MCQ आ सकते हैं उसमें प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है, उसमें रिएक्टेंट भी पूछा जा सकता है, और उसमें रिएजेंट भी पूछा जा सकता है, और उसमें यह पूछा जा सकता है आइडोफॉर्म बनता है कि नहीं बनता। अब MCQs देखें, विच ऑफ फॉलोइंग रीएजेंट इज करेक्ट फॉर आयोडोफॉर्म, IF आयोडोफॉर्म, अल्फा NaOH और आयोडीन, बीटा Na2CO3 एक्वस और आयोडीन, चार्ली NH4OH, NH4OH एंड आयोडीन एंड डेल्टा बोथ ए बी। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। स्टूडेंट्स, आपने Na2CO3 एक्वस के बारे में पढ़ा है कि एक्वस मीडियम में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और 2NaOH बनाता है और H2CO3 बनाता है। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, 2 में एक्चुअली, कि एक्वस Na2CO3 इज बेसिक वाई, क्योंकि वाटर में हाइड्रोलाइज होकर NaOH और कार्बोनिक एसिड बनाता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्टूडेंट, ये भी NaOH दे रहा है, आयोडीन भी मौजूद है, इसलिए बोथ अल्फा एंड बीटा आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है CH3COONa+CH3R ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ कंपाउंड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, वो कंपाउंड कौन सा हो सकता है। अल्फा ऑप्शन प्रोपानोन, मैं स्टूडेंट साथ साथ इसकी डायग्राम बनाता हूं, स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि हम बाद में आसानी से पिक कर लें। बीटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल CH3 और इधर H, चार्ली ऑप्शन एसिट अल्डिहाइड, एंड डेल्टा बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट्स, इसकी हिंट आपको क्या बताई है, पहले बताएं कीटोन की आइडोफॉर्म होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये मिथाइल कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन स्टार वाला है, उससे नेक्स्ट मिथाइल की आइडोफॉर्म बनाए तो क्या बन जाएगी, CHI3, और दो कार्बन बचे तो दो के एसिड का साल्ट। क्या रिएक्टेंट यही है, प्रोडक्ट यही है क्वेश्चन में, यस ये ठीक है। अब इसको चेक कर लें,
इसमें भी एक का आइडोफाम और दो का कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। स्टूडेंट ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, देन ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं किसकी आइडोफाम होगी किसकी आइडोफाम नहीं होगी। विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट परफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट अल्फा सी एच थ्री थ्राइस सी डबल बॉन्ड एच बीटा CH3 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 OH चार्ली CH3 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 CH2 CH3 एंड डेल्टा ऑल। स्टूडेंट्स वन बाय वन ट्राई करें, ये अल्डिहाइड अल्फा वाला और सिर्फ एसिड अल्डिहाइड होता तो ये बनना था, इसका मतलब है अल्फा का नहीं होता। बीटा ऑप्शन देखें, ये कार्बन चेन को देखें तो टू पे ओएच है लेकिन इसका हाइड्रोफॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है, टू अल्कानोल सेकेंडरी में होनी चाहिए। ये वाला जो कार्बन है जिस पे स्टार लगाया है ये तीन कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी है, टर्शरी अल्कोहल की आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होती। नेक्स्ट पे आए वो कीटोन है, लेफ्ट पे भी बड़ा ग्रुप है राइट पे भी बड़ा ग्रुप है, मिथाइल नहीं है, सिर्फ मिथाइल कीटोन का होता है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं करता आयोडोफॉर्म टेस्ट। स्टूडेंट्स अब एक टेबल बनाते हैं और डिफरेंट केमिकल टेस्ट्स को कंपेयर करते हैं। इसमें सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड के टेस्ट की बात करते हैं। अल्डिहाइड में होता है यस, कीटो में होता है यस, लेकिन मिथाइल के फॉर कीटोन अल्कोहल में होता है नहीं, फिनोल में होता है नहीं, चेंज क्या आती है? वाइट पीपीटी। तो स्टूडेंट्स ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको कंपेयर करना आना चाहिए एक दूसरे को केमिकल टेस्ट में। दूसरा है 2,4-DNPH अल्डिहाइड यस, कीटोन यस, अल्कोहल नो, फिनोल नो, चेंज क्या आती है? येलो या ऑरेंज पीपीटी या ऑरेंज रेड पीपीटी। तीसरा टेस्ट है टोलन्स टेस्ट, टोलन्स टेस्ट। मैं इनके रिएजेंट चूंकि पहले बता चुका हूं तो अब यहां पर उस पर डिटेल नहीं बात कर रहे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अल्डिहाइड का यस, कीटोन्स का नो, अल्कोहल नो, फिनोल नो, इसमें सिल्वर मिरर बनता है, टेस्ट ट्यूब की वाल्स पे सिल्वर फ्री होकर लग जाती है और वो मिरर की तरह अपीयरेंस देती है। टोलन्स टेस्ट के बाद फेलिंग टेस्ट। स्टूडेंट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अल्डिहाइड यस बट एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन, कीटोन नो, अल्कोहल नो, फिनोल नो, इसमें चेंज क्या आती है? ब्रिक रेड पीपीटी, ब्रिक रेड पीपीटी। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, अगेन अल्डिहाइड यस बट एलिफैटिक, नो नो नो, ब्रिक रेड पीपीटी। ब्रिक रेड
प्रेसिपिटेट। फिर है सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड, सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड टेस्ट अल्डिहाइड का नहीं होता, कीटोन का होता है, अल्कोहल फिनोल का नहीं होता, वाइन रेड कलर। स्टूडेंट एक टेस्ट और इसमें लिख लें, ल्यूकाज टेस्ट। ये किसी का भी नहीं होता, सिर्फ अल्कोहल का होता है, ऑयली लेयर। और लास्ट वन इज एड ब्रोमीन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन, नो विद अल्कोहल, और वाइट पीपीटी फिनोल से बनता है। ये चार चीजें बच्चों आप डिफरेंट तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अब सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड का फार्मूला बताऊं, सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड, सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड का फार्मूला है Na2, ये एक कॉम्प्लेक्स है FeCN5NO, ये इसका फार्मूला है सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड का। अब अल्कलाइन MCQ है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक टार्टरेट ये कौन सा है, ये फैलिंग है बीटा, ये बेनेडिक्ट है चार्ली, ये टोलन्स रिएजेंट है डेल्टा नन, इट इज फैलिंग सॉल्यूशन। और बेनेडिक्ट में टार्टरेट की बजाय सिट्रेट आता है, अल्कलाइन क्यूप्रिक सिट्रेट, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है। What is Tollens reagent? Tollens is ammonical silver nitrate और aqueous solution of ammonical silver nitrate। जब अमोनिया को वाटर में ऐड किया जाता है तो फिर वो रिएक्ट करके NH4OH बना लेता है NaNO3। लिखा अमोनिकल सोडियम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एक्चुअली नॉट Na, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन NH4OH फार्मूला की फॉर्म में लिखा जाता है। स्टूडेंट्स इसमें सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड के फार्मूलाज लिख देता हूं, पहले भी वैसे मैंने टार्टारिक एसिड का फार्मूला लिखा है, वो दूसरी तरह लिखा था, ये भी है तो टार्टारिक एसिड का ही। टेट्रा चार, इसमें कितने कार्बन है, टार्टारिक एसिड, इसमें भी चार कार्बन है और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये टार्टारिक एसिड है। सिट्रिक एसिड सिक्स, और सिट्रिक सिक्स और सिट्रिक, CH2 COOH, सेंटर में हाइड्रोजन भी नहीं लगता बल्कि OH लगता है इसके ऊपर OH। एक दो तीन, तीन कार्बन इसमें, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और टोटल छह कार्बन है, तो इट इज सिट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स इसी तरह का आपसे पूछा जा सकता है कि उनका नाम क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स बनता है, सिल्वर मिरर टेस्ट करें तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है सिल्वर NH3 twice OH,
इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये है डाइएमाइन, क्योंकि नाम लिखने के लिए आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते हैं, माइन जीरो है, सिल्वर प्लस वन है, तो डाइएमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड, डाइएमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स भी मेंशन किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अल्डिहाइड और कीटोन्स के सारे हिंट्स को डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर मुमकिन हो तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा कर सकें। स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।